आज मैं लाभ और हानि पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए, तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, जिसमें रुपए की बात की जाती है उसमें क्रय मूल्य पर लाभ हानि निकालते हैं, और जिसमें रुपए की बात नहीं की जाती उसमें विक्रय मूल्य SP पर लाभ हानि निकालते हैं। तो पहले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, देखते हैं। एक व्यक्ति 500 की वस्तु खरीदता है और 550 की बेचता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है? तो क्वेश्चन में हमारा क्रय मूल्य दिया है, मतलब CP हमारा 500, SP हमारा 550। तो हमारा बेचा है ना, तो लाभ हुआ, लाभ हमारा कितने का हुआ? 550 है ना, 50 रुपये का हुआ लाभ। ये हमारा इस कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए इसमें रुपए की बात की गई है ना। जब वस्तु की बात करेगा तो इस पे निकलेगा, तो हमारा ये लाभ हो गया। अब फार्मूला हमारा होता है लाभ, जब मतलब निकालना पड़ता है लाभ परसेंट के लिए, लाभ बट्टे में हमारा होता है क्रय मूल्य, मतलब CP गुणे 100 होता है। तो लाभ हमारा 50, खरीदा था 500 में, गुड़े 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से कम 5, 0 होता जाएगा, 10% का लाभ हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन वस्तु पे दिया है, मतलब सेकेंड कंडीशन से निकालना है, मतलब कि विक्रय मूल्य से हमारा, जैसे इसमें क्रय मूल्य रखे थे तो यहाँ पे अब विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि 15 वस्तु, मतलब जो हमारा CP है, मतलब क्रय मूल्य है हमारा 15, और SP हमारा बेचा है 12, मतलब है दोनों बराबर ही, मतलब कि 15 वस्तु खरीदा 12 वस्तु, मतलब 15 वस्तु 1 रुपये की खरीदा और 1 ही रुपये की 12 बेच दिया, तो कितनी बची? 3 बची गई। तो इसका अब लाभ परसेंट निकालना, तो लाभ तो हमारा हुआ 3 वस्तु का, ठीक। अब लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट निकालना पड़ेगा, तो ऊपर लिखेंगे लाभ, अब नीचे लिखेंगे विक्रय मूल्य बटे में SP गुणे में 100, इसलिए ये वस्तु की बात की गई है ना। तो हमारा लाभ है 3 और विक्रय मूल्य कितना है हमारा 12 × 100। अब कटेगा, 3 × 3 3 × 4 12 4 × 8 4 × 20, ये आ गया हमारा 25% लाभ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जिससे अगली वीडियो आपको मिल सके। जो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ITI पॉलिटेक्निक और पारा एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं इसको ध्यान से। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP 60% उसके SP के 50% के बराबर है, तो इसका मतलब ध्यान से समझना, CP जो मतलब हमारा क्रय मूल्य है इंटू 60% इसका ना, 100% 60% इसका हमारा SP के 50% के बराबर है, ये बराबर लग गया, ठीक। तो अब इसमें डिवाइड हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो परसेंट से हमारा परसेंट कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा CP और ये इधर आ जाएगा, तो हमारा SP अपॉन में ये उधर जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि CP मतलब खरीदा, 5 रुपये में खरीदा है, 6 रुपये में बेच दिया कोई वस्तु, तो 1 रुपये का लाभ हो गया ना, 1 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ अपॉन में क्रय मूल्य मतलब CP इंटू 100 होता है हमारा, तो लाभ हमारा 1 रुपये का हुआ है और हमारा क्रय मूल्य हमारा 5 × 100 रख दिया। अब डिवाइड कर देंगे, 5 × 10 20% का लाभ हुआ। क्वेश्चन 4 देखते हैं। एक व्यक्ति 500 रुपये की वस्तु खरीदता है और 10% का लाभ लेकर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य मतलब
कि 10% का लाभ ले लिया है तो उसका मतलब कितने रुपए में बेचा है ये बताना है। तो पहले हम देखते हैं, क्रय मूल्य हमारा दिया है, सीपी हमारा दिया है 500, ठीक 500 दिया है। तो हमारा इसका मतलब ये बस कोई भी बस होती है हमारी अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है, 100% होगी और 10% का लाभ लिया है, 100% होगी तो इसके नीचे 100 हो जाएगा इनटू में 10% का लाभ लिया है तो 110 हमारा हो जाएगा 100% का 110%। आप जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना परसेंट मतलब कितना रुपए का लाभ हुआ है, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, अब हमारा हो गया इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा मतलब 0 बढ़ जाएगा, तो 550 रुपए की विक्रय मूल्य मतलब 550 रुपए का बेचेगा। ये हमारा सिंपल था मगर इम्पोर्टेंट है और सॉल्व भी है। जो क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक व्यक्ति 600 की कलम बेचता है और 20% का लाभ लेता है तो क्रय मूल्य होता है, मतलब 600 रुपए का बेचता है 20% का लाभ ले लेता है तो मतलब कितने में खरीदा था ये बताना है। तो 20% का लाभ मतलब हमारी कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, तो हमारी ये जैसे 600 की है 100% होगी मगर 20% का लाभ लिया तो हमारी 120% हो गया, ठीक। और निकालना कितना है 100% का, 100% रख दिया मतलब 100, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 कम 6 100 हो जाएगा, 6 दूनी 12 फिर 2 एकम 2 2 पंचे 10 50 हो गया, और 50 का जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 500 हो जाएगा, 500 रुपए का मतलब खरीदा था क्रय मूल्य, 500 रुपए का खरीदा था 600 रुपए का बेचा तो 20% का उसका लाभ हुआ उसे।